नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े युद्ध में पाकिस्तान की सेना भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के सैनिक युद्ध में अजरबैजान की तरफ से लड़ रहे हैं। आर्मेनिया की मीडिया की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नागोर्नो काराबख क्षेत्र पर कब्जे के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है। अब इस बीच जंग में पाकिस्तान के भी कूदने की चर्चा है। पाकिस्तान ने कथित रूप से आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ देने के लिए नागोर्नो करबाख के युद्धग्रस्त क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात कर दिया है। दो नागरिकों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के आधार पर एक आर्मेनियाई समाचार रिपोर्ट ने यह दावा किया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। बता दें कि पूरी जंग 4400 वर्ग किलोमीटर के नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर हो रही है। नागोर्नो काराबाख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों ने कब्जा कर रखा है। युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में पाकिस्तान की मौजूदगी को लेकर स्थानीय न्यूज वेबसाइट freenews.am के अनुसार दो लोगों के बीच जो बातचीत हुई उसमें अजरबैजान में पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति का भी दावा किया गया। जिस बातचीत के आधार पर पाकिस्तान की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, हम कैसे लिख सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम ठीक हैं, चिंता मत करो। 7-8 गांवों को आजाद कर दिया गया है, डरो मत। एक दूसरे नागरिक ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है कि फिजूली अगदम को कब्जे से मुक्त किया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या शूटिंग दूसरे नागरिक क्षेत्र में हो रही है, उन्होंने कहा कि अगदम की तरफ से उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को इकट्ठा किया है और उन्हें अगदम की ओर ले गए हैं। पाकिस्तान तुर्की के अलावा दूसरा देश है जिसने 1991 में अजरबैजान की संप्रभुता को मान्यता दी थी। इस्लामाबाद और अंकारा के बीच संबंधों को मजबूत किया गया क्योंकि बाद में उसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख का खुलकर समर्थन किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।